हेलो गाइज, आज हम एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी से बहुत ही क्वेश्चन आजकल आ रहा है, एसएससी हो, बैंक हो और यूजीसी नेट के भी रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे आजकल एनालॉजी से क्वेश्चन आता है और वो बहुत ही इजी होता है। अगर आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आजकल जो है ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो अब और ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा इस पे मेहनत कर लो, जैसे ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू याद है आपको, तो आप ये क्वेश्चन अगर 4 5 क्वेश्चन भी आए ना, तो आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और उससे आपका 10 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम एनालॉजी के जितने भी शॉर्टेस्ट ट्रिक हैं उस पर वर्क करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉजी का जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन क्या मतलब कैसे हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर ये याद कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई तक का तो सबको याद रहता है, 1 to 5 होता है, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो बात है उस पर हमें वर्क करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा ट्रिक मैं बताऊंगा इस पे, और ये ट्रिक अगर आप याद कर लिए हो तो खैर तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी का तो सबको पता है, ये 1 2 3 4, इसका अमूमन ज़्यादा दिक्कत नहीं होता डी तक, ठीक है। अब हम एफ से बात करते हैं, ठीक है। तो एफ का देखो, अगर आप ट्रिक बोलो तो F4 याद रखो, F4 फिक्स, फिक्स दैट इज 6, ठीक है। या फिर कंप्यूटर में आपने ये F6 कीबोर्ड में देखा होगा, एक की होता है F6, तो ये याद रखना, F का 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है। G देखो, G आपका 7 होता है, G देखो, अगर ये ऐसे है, इसको ऐसे थोड़ा सा वर्क करो तो ये 7 जैसा दिखता है, ठीक है। तो आप याद रखो G7, ठीक है। H देखो, H जो है ना, H आपका अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो H देखो, अगर आप डिजिटल 8 देखा देखे होगे, देखो ऐसे ये 8 जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा अगर ऐसे बढ़ा दूँ, ठीक है, तो H8 याद रखो, ठीक है। आई देखो, आई बचपन में आपने ऐसा लिखा होगा, आई लिखा होगा, आई आपने ऐसा, ठीक है, तो I9 हो गया। इस आई को आप ऐसे ही लिखो, कैपिटल में याद रखना कि आई ऐसे होता था, I9 हो गया, ठीक है। J अभी बताता हूँ, J के लिए अलग ट्रिक है। K देखो, अगर आप IPL में के बारे में जानते होंगे तो वहाँ से एक टीम है प्रीति जिंटा का, वो किंग्स इलेवन पंजाब याद होगा आपको, तो किंग्स इलेवन पंजाब, ठीक है। तो यहाँ से आप K11 हो गया, ठीक है। L देखो, L का एक राइमिंग वर्ड होता है ना, L12, L12, तो आप L12 बोल सकते हो, ठीक है। M पे वर्क करते, देखो अब देखो, M पे थे, L12 आ गया राइमिंग वर्ड से, ठीक है। MW और आप 3 देखो, इस तीनों को देखो, इस तीनों को देखने से क्या लग रहा है कि इस तीनों को देखने से लग रहा है ना कि ये मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मतलब एक ही, इसको रिवर्स, इसको उल्टा के लिखो तो W हो जाएगा, इसको उल्टा लिख लिखो तो 3 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कजन ब्रदर, ठीक है। तो आपको इसमें ना ये चीज़ देखो कि अब 3 तो हो नहीं सकता, सी तो 3 ले लिया और हमारे पास 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। तो एक 13 बचा और 23, और पहले कौन आता है, पहले एम आता है फिर डब्ल्यू। तो यहाँ से देखो, एम का 13 हो गया और डब्ल्यू का 23 हो गया, तो यहाँ से आप याद कर लोगे, M13 और W हो गया 23, ठीक है। उसके बाद N देखो, N M और N को हमेशा याद रखो। अब अगर M13 होगा ना तो N14 होगा, क्योंकि ये रिवर्स भी हैं एक दूसरे के। अभी हम रिवर्स पे आएंगे तो वहाँ से आपको बताएंगे कि M और जो है N का कैसे रिवर्स है, ठीक है। M N अभी हमारा बचा एक J बचा है, ठीक है। अभी O पे आते हैं, ठीक है, O को स्किप करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास आया P और S का, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। P और S में देखो, याद रखना ये चीज़, पी और एस कैसे याद रखोगे, तो याद रखो आप पी वी सिंधु का नाम सुना होगा और साइना नेहवाल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो दोनों हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो इसे याद रखो कि पी ऐसे बस ये ट्रिक है, ठीक है। तो P16 और S19 कैसे याद रखेंगे, कि याद रखना कि पीवी सिंधु जो है 16 ईयर की है और साइना नेहवाल 19 की है, ठीक है। इससे याद हो जाएगा आपको, P16 S19, ये याद इसीलिए करवा रहे हैं कि आगे काम आएगा, जैसे ही आप देखो क्वेश्चन आप देखते ही बना दोगे, ठीक है। तो P16 S19, तो P यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 16 S19, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं T पे, ठीक है। तो T का, T देखो, T20 मैच,
ठीक है, सबको पता है आजकल T20 बहुत होता है, ठीक है। T20 हो, यू यू फो याद रखो, यू फो यूनिक, UNIQUE, ठीक है। यू फो यूनिक, यूनिक मीन्स क्या होता है, वन वन बोलते हैं ना, जैसे कोई क्लास में 10 बच्चे हैं, बोलते हैं ये यूनिक है, मतलब वन है, ठीक है। तो यूनिक मीन्स वन, दैट इज 21, ठीक है, 121, बस राइमिंग है, याद रख लो बस, और कुछ नहीं। वी वी को लिखने के लिए दो दो डंडा का यूज होता है, देखो, या फिर एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे वी को लिखना है, तो ऐसे दो बार पेन उठाना पड़ा, तो वी को लिखने के लिए दो दो डंडा, यानी V22, ठीक है, V22 हो गया। W बता दिया, X याद रखो, X को लिखने के लिए X24, ठीक है, X24, ठीक है। जैसे अगर एक्स के लिए क्या ट्रिक हो सकता है, तो एक्स के लिए बोल सकते हैं क्रिसमस ईव जो आता है वो 25th को होता है, लेकिन एक्समस ट्री जो लगाते हैं एक दिन पहले लगाने लगते हैं सब, ठीक है, उससे 24। वाई और जेड, वाई जेड नॉर्मली सबको याद होता है, 25, 26, वाई जेड याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा हमारा, क्या क्या बचा उस पर बात करते हैं। हाँ, तो अब इसमें क्या बचा था, हाँ, जो अल्फ़ाबेट बचे हुए थे आपके J Q R O, ठीक है, ये चार बचे हुए थे, ठीक है। तो आप ना इसमें देखो, J का 10 होता है, लिख दे रहा हूँ, Q का 17, R 18, O 15। देखो अब इसका दो चार ट्रिक है जिससे आपको J और O क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है, आप इसको याद ही कर लो, Q 17 R 18, Q 17 R 18, ये याद कर लो, रट लो, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि आपको ये फायदेमंद है, आप एक बार याद कर लोगे तो आपको आपके बहुत टाइम बचेंगे, ठीक है। तो देखो एक मैं और भी कुछ बता दे रहा हूँ जिससे और ज़्यादा याद हो, एक याद रखना इजोटी, ठीक है। इजोटी जो है, ये जो है वर्ड, ये देखो 5 के गैप में आता है, ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ये देखो 5 के गैप में आएगा इजोटी, कैसे याद रखेंगे। ईमेल, कोई आपके कोई फ्रेंड है, ज्योति नहीं है, ज्योति, ईमेल करना है जोटी को, ठीक है, तो इजोटी। तो यहाँ से आप देखो, जे भी याद हो गया, ओ भी याद हो गया, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इजोटी का 5 के गैप में है। और एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको ज़्यादा, एक देखो ये है, ये 3 के गैप में आता है, CFILORUX, अब जैसे भी याद कर लो, CFILORUX, ये 3 के गैप में आएगा, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, ठीक है। तो ये चीज़ रहा आपका, ठीक है, इससे आप ना ये चीज़ याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा कहना, जो मैंने ट्रिक बताया आपको कि ए कैसे याद करना है, O 15, L 12, ठीक है, A 1, ठीक है, उसके बाद जैसे T 20, Q 17 और R 18, ये याद करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब याद हो जाएगा तो फिर हम फोकस करेंगे इसके क्वेश्चन पे। तो अभी रिवर्स ऑर्डर पे बात करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर, अच्छा एक चीज़ और याद रखो, अगर मैं रिवर्स लिखता हूँ A B, देखो टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, रिवर्स में मतलब एक दूसरे को डिवाइड करेगा दो भाग में, यानी 13 13 का बनेगा, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ जी, ठीक है, यहाँ पे H I J K L और M, मैंने अभी बताया था कि M का N होता है, ये हमेशा याद ही रख लो, ठीक है, M का N होगा, ठीक है। A का देखो Z होता है, अभी ट्रिक, दोनों ट्रिक बताएंगे, B का Y होता है, ठीक है, C का X होगा, D का W होगा, E का V होगा, F का U होगा, G का T होगा, H का S होगा, I का R होगा, J का Q होगा, K का P होगा, L का O होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो। अभी बताते हैं इसका ट्रिक, याद करने का ट्रिक बताते हैं, दो दो तरीका है, दोनों बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि A जो है पहला नंबर पे आता है और Z आता है आपका 26 पे, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स काउंट करें तो ये पहला फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये बंदा 26 पे आएगा। बी देखो, बी 2 आता है और इसका रिवर्स वाई है, तो ये अगर इस, ये 25, ये इसका 2 हुआ और ये 25 हुआ, ठीक है। अब देखो ये रिवर्स, अब एक चीज़ याद रखो, रिवर्स के लिए ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर आपको याद है वो चीज़। तो देखो ए का 1, अभी देखो इन दोनों का समेशन कितना हो रहा है, 21 6 + 127। अगर आपको एक कोई याद है, अगर अल्फ़ाबेटिकली याद है कि किसका कौन होता है, जैसे मैंने पूछा ओ का कितना होता है, तो ओ 15 होता है,
तो इसका जो अपोजिट होगा ना, इसका जो रिवर्स होगा वो, जिसका इन दोनों का एडिशन 27 होना चाहिए। जैसे 15 है तो 15 में कितना जोड़े, 27 होगा तो 12, तो 12 जोड़ेंगे, तो 12 अगर मैं जोड़ूँ तो L12 बताया है मैंने, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो इसको कि एल ओ का L, ठीक है। जैसे मैंने, जैसे मैं बोलूँ T, तो T20 होता है, आपको पता है ये चीज़ मैंने याद करवाया, तो T20 होता है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, जिसका 7 होगा, क्योंकि 20 + 7 27, ठीक है। तो 7 किसका होता है बताओ, तो G का होता है ना, G7, ऐसे मैंने बताया था कि इसको रेज कर दो तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं बोलूँ F, F देखो 6 होता है, F 6 होता है, और इसका रिवर्स मैं पूछूँ तो 21 वाले का होगा, तो F 6, तो जिसका 21 हो तो U20, U4 यूनिक, दैट इज़ 21, ठीक है। अब ना इसको निमोनिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AZ को, A का Z होता है, सबको याद है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए AZ का अमिताभ जया लिख लो, अगर याद ही करना है तो, ठीक है, अमिताभ जया। BY बॉय लिख लो, ज़्यादा अच्छा, बॉय बोलो, बाय बोलो, BY बाय, या फिर बाइक बोलो, BY के, ठीक है, बॉय बोलो ज़्यादा अच्छा है। C का X 25th of December को क्या होता है, क्रिसमस डे, क्रिस CHRISTMAS, ठीक है, क्रिसमस हो गया, ठीक है। D का W होता है, सबसे अच्छा इसका है, D का W का DU बोलो, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, ठीक है। E का V एक EVS सब्जेक्ट बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हो, या फिर एम्प्टी वैकेंट भी बोल सकते हो, ये भी ठीक है। F का U फुल बोलो, या फिर इधर से उल्टा भी बोल दो, उफ, UFF। G का T GT रोड याद होगा, ठीक है, GT ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है। ये इसे याद रखो, A का Z हो गया, B का Y बॉय, C का X क्रिसमस, D का W। अब देखो D का W है तो ये भी याद होना चाहिए कि W का DV होता है, ठीक है। उसके बाद वो 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। E का V होता है, EVS बोल दो। F का U फुल बोलो, G का T बोलो, ठीक है। उसके बाद GT रोड, T का G भी होगा। उसके बाद H से S आया, ठीक है, H का S होगा, तो इसे याद रखो, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल, या फिर हायर स्टडीज ये भी बोल सकते हो, हायर स्टडीज। आई का आर इंडियन रेलवे, जे का क्यू कार्ड के पत्ते में क्या होता है, जैक क्वीन होता है, तो आप यहां से जे का क्यू याद रख लेंगे, जैक क्वीन। के का पी के मूवी याद रखो, ठीक है, पीके मूवी बोलो, या फिर क्रिकेट में इंटरेस्टेड कुछ बंदे होते हैं वो बोलते हैं, केविन पीटरसन बोलो, या फिर किरण पोलार्ड बोल लो। एल का ओ लॉल बोल लो, LOL लॉल, या फिर सबसे अच्छी बात ये याद रख लो, LOV लव, लव याद रखोगे ना तो इससे क्या होगा कि एल का ओ तो याद रहेगा ही, और ये भी याद रह जाएगा कि ई का वी होता है, वी का ई, ई का वी, जहाँ पे मैंने एम्प्टी वैकेंट बताया था, या फिर ईवी याद रख लो, ठीक है। और एम का एन होता है, तो ये हो गया मैन, मैन में क्या होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो ये चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। जे का क्यू हो गया, एच का एस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक बताओ हमें, उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें।